हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूट्यूब। हम जैसलमेर ट्रिप अगर आप जाने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको वहां पर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और आप देखकर खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना खूबसूरत शहर है और आपको पहले कौन सी जगह पर घूमना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पर अगर हम बात करते हैं गोल्डन सिटी के लिए, तो जैसलमेर फोर्ट है जो कि इंडिया का पहला लिविंग फोर्ट है। इसके अंदर लोग रहते भी हैं और ये बहुत ही खूबसूरत फोर्ट बना हुआ है। यहाँ अंदर जाकर आप इसमें शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इसमें सेकेंड नंबर पे अगर हम बात करें तो कुलधारा विलेज है, जो कि एक शापित विलेज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पिछले सालों में कभी भी कोई नहीं रहा है और ये पूरी तरीके से वीरान है। इसके बाद हम बात करेंगे तो जैन टेम्पल की बात करेंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत है रनकपुर। और ये पूरा जैन टेम्पल जो है दिलवाड़ा टेम्पल की स्टाइल में बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है। इसके बाद डेजर्ट नेशनल पार्क भी एक ऐसी सुंदर जगह है जहाँ पर आप जा सकते हैं। वहाँ पर आपको ऑस्ट्रिच देखने के लिए मिलेगा, जो कि अपने आप में एक एक्सटिंक्ट कैटेगरी है, जो आपको देखने के लिए नहीं मिल सकता और किसी जगह पर भी। और यहाँ पर आपको डियर्स वगैरह और ज़्यादातर सारे एनिमल्स दिख जाएंगे। नेक्स्ट पे हम आते हैं तो गड़ी सागर लेक है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर अगर इवनिंग टाइम में आप जाएंगे तो बहुत खूबसूरत फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। ये फोर्ट के आसपास के एरिया में प्रॉपर जैसलमेर सिटी के अंदर स्थित है और ये इसकी कलाकृति और इसकी जो भी हिस्टोरिकल वैल्यूज़ हैं ये बहुत ही सुंदर है। इसकी कार्विंग्स वगैरह देखते ही बनती है। ये इतनी सुंदर जगह है कि यहाँ पर आपको देखकर एक शांति का एहसास होगा। इसके अलावा यहाँ पर छतरियाँ बनी हुई हैं, जो कि सिटी से थोड़ी सी बाहर के एरिया में है और बहुत खूबसूरत मॉन्यूमेंट है। अगर हम इसमें बात करें तो तनोट देवी राय का मंदिर है, जो जैसलमेर से लगभग 150 किलोमीटर पर है, जो कि इंडिया पाकिस्तान वार के लिए फेमस है। यहाँ पर जब गोलाबारी हुई थी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वार हुआ था, तो इतनी गोलाबारी में भी इस मंदिर के ऊपर ज़रा सी भी आँच नहीं आई थी। इसी के रास्ते में आपको विंडमिल पार्क मिलेंगे, जहाँ पर बहुत सारी पवन चक्कियाँ आपको देखने मिलती हैं। यहाँ पर आप फोटोग्राफी कर सकते हो और पूरा एक पूरा शानदार व्यू आपको सनसेट के समय देखने मिलता है। यहाँ पर अकल वुड फॉसिल पार्क है, जो कि जितने भी फॉसिल्स हैं काफ़ी पुराने जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। ये एक इंडिया में अपने अलग तरीके का एक फॉसिल पार्क है, जैसा कि एमपी में भी एक फॉसिल पार्क है, उसी प्रकार से ये जैसलमेर में भी है। ये जो भी फॉसिल्स के शौकीन हैं उनके लिए ये काफ़ी खूबसूरत पार्क है, इसको भी आपको ज़रूर देखने जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी सारी पुरानी जितनी भी फॉसिल्स के जितने भी म्यूज़ियम टाइप है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसलमेर का गवर्नमेंट म्यूज़ियम है, यहाँ पर आपको पपेट्स देखने के लिए मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के जितने भी स्टैचूज़ हैं उनकी कार्विंग्स हैं, और जो भी ज़मीन से खुदाई में जो पुराने स्टैचूज़ वगैरह निकले हुए हैं वो पूरे डिटेल्स के साथ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। सलीम सिंह की हवेली है, जो कि जैसलमेर फोर्ट के पास है। ये अपने आर्किटेक्चर के लिए मानी जाती है। इसकी जो कार्विंग है वो दिखते ही बनती है। यहाँ पर भी आप फोटोग्राफ्स ले सकते हैं और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जूम कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप इसकी कार्विंग को कैच करना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको मंदिर पैलेस भी देखने मिलेगा, जो कि अपने आप में खूबसूरत डिज़ाइंस के लिए फेमस है। यहाँ की कलाकृतियाँ राजस्थान के जितने भी जो फेमस चीज़ें हैं उसके बारे में बताती है। इसकी कार्विंग और इसकी खूबसूरत डिज़ाइन जो पत्थर को काट के बनाई गई है वो देखने लायक है। इसको देखते ही आपको लगेगा कि गोल्डन सिटी है ये। यहाँ पर तेजा जी का मंदिर है, जो यहाँ के लोकल श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत मान्यता रखता है। यहाँ पर मेला भी भरता है। इसके अलावा जो बहुत खूबसूरत है, जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम है, जो कि 150 किलोमीटर है जैसलमेर से। यहाँ पर आप दिन भर का ट्रिप बनाकर जा सकते हैं, क्योंकि इसके पास ही लगा हुआ इंडिया और पाकिस्तान का वार है और यहाँ पर लास्ट बॉर्डर कैफ़े भी है, जो कि देखने लायक है। अमर सागर लेक है, जो कि एक पानी के साथ एक बहुत ही खूबसूरती अपने आप में समेटे हुए है। वाटर बॉडीज़ देखने के आप शौकीन हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर जाइए। और इसकी जो छतरियाँ बनी हुई हैं ये फ़ोटोग्राफी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जिस तरीके से कुलधारा टेम्पल है उसी तरीके वहीं पर खाबा फोर्ट है, ये भी एक वीरान फोर्ट है और यहाँ पर शाम से पहले ही जाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी शाम के बाद नहीं रहता। जो कि कुलधारा जो विलेज था, जो कि एक शापित विलेज है, उसी के पास
पास ये भी किला है जो कि अब पूरी तरीके से वीराना हो चुका है, लेकिन ये अब पर्यटकों के लिए देखने के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और एक टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे जैसलमेर से लगभग 25 से 30 किलोमीटर पे आपको लुधरवा जैन टेम्पल देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप ये भगवान शांतिनाथ के दर्शन कर सकते हैं और ये भी दिलवाड़ा स्टाइल में बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। चार पिलर्स पे मंदिर जिस तरीके से बना हुआ है वो देखने लायक है। इसी प्रकार टेम्पल के अंदर जो शांतिनाथ जी का जैन मंदिर है वो भी एक अपना बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन से बना हुआ है। किस प्रकार से मंदिरों की कलाकृतियाँ बनी हुई हैं ये यहाँ पर आपको ज़रूर देखना चाहिए। पोखरण फोर्ट भी एक पोखरण जो परमाणु का जो टेस्ट हुआ था उसी से संबंधित इसका नाम है, वो भी एक देखने लायक जगह है, वो आपको ज़रूर जाना चाहिए देखने के लिए। और वहाँ पर अंदर आपको पूरा विशाल आप किले जैसा देखने के लिए मिलेगा। आपको ये चैनल अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट फीडबैक सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर जैसलमेर से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।